तो गाइज मैं नहा ली हूँ, नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 7:30 बज चुके हैं। काम मैंने निपटा लिया है अपना सारा, झाड़ू पोछा भी कर लिया है और मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े भी एक बार के बच रहे हैं धोने, तो उनको भी धो लूँगी अब मैं। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी। 7:30 हो गए हैं और सर भी धोया मैंने, बाल अभी गिल्ले हैं तो बालों में चुन्नी लपेटूंगी सूती। तो पहले पूजा कर लेती हूँ मैं। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो दोनों सोने लग रहे हैं, ये उठे नहीं है अभी कोई से भी, तो इनको उठाऊंगी। रितिका को तो आज ट्यूशन जाना नहीं, माने की जाएगा ट्यूशन, 10 बजे का टाइम है तो ये आराम से उठ जाएगा, रेडी भी हो जाएगा। तब तक ये उठेंगे, मैं इनका नाश्ता वगैरह बना दूंगी। तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ पहले। तो गाइस पूजा मैंने कर ली है, अब मैं बच्चों को जगा देती हूँ और चाय रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएंगे ये। तो गाइस कपड़े धो रही थी, लाइट चली गई है, हदम ही रह गए ये कपड़े एक बारी के। तो उस टब में हाथ से धोने के भिगो रखे हैं मैंने, और ये मशीन के रह गए हैं। लाइट आएगी जब ही धोऊंगी। लाइट बंद कर देती हूँ कमरे की, क्योंकि इन्वर्टर से चल रही है, पता लगे क्या पता कितनी देर के लिए काटेंगे लाइट, कभी हम पंखे के बिना भी बैठे रहें फिर। तो मैं पहले अपना छत पे से एक सूट उतार के लिए आती हूँ, जो मैं हाथ से धो के सुखाया था। रितिका भी डालेगी इधर पेड़ों में पानी, क्योंकि श्याम को भी नहीं डाला इसने, तो ये भी डाल देती पेड़ों में पानी। और मालिक तो ट्यूशन चला गया, टाइम हो गया था उसका, रितिका की छुट्टी है 2-3 दिन की ट्यूशन की। धूप होगी बहुत तेज छत पे, दिखाऊंगी चल के। मानिक की साइकिल यहाँ खड़ी कर दी ऊपर ही, क्योंकि नीचे ये इतनी चलाता नहीं है, चलाता है जब उन्हें छत पे ही चला लेता है, जब इसको चलानी पड़ती है। ये देखो भाई जी इतनी तेज धूप है, आंख भी नहीं खुल रही। और ये सुखा रखा सूट, ये सलवार सूख ही गए इतनी देर में, धूप में मर गई मैं। तो गाइस रितिका जा रही है नहाने, मैं खा लेती हूँ अपना खाना। इस सूट पे परहेज करनी थी, लाइट है नहीं, तो लाइट आएगी जब ही करूंगी मैं, वरना खाना डाल के ले आती हूँ। हेलो जी, राम राम जी सारा ने, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। तो भाई आप सभी का स्वागत है अंजू यादव व्लॉग्स में। आज तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही कर दी थी और लाइट गई हुई है, पता नहीं कितनी देर में आएगी। लाइट के बिना मेरे कपड़े भी रह रहे हैं, मशीन सुबह जल्दी लगा ली थी तो बीच में काम करने लग गई, इस चक्कर में रह गए, नहीं अब तक धुल जाते। तो देखो कितनी देर में आएगी लाइट, तो तब तक मैं और काम कर लेती हूँ अपने। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस लाइट भी आ गई है, कपड़े धो गए हैं मेरे, बस एक बार के बचे हैं सुखाने के लिए। तो ये भी मशीन में ये कपड़े सूख रहे हैं, उनको निकाल के फिर वो भी डाल दूंगी। और इधर रसोई में मैंने रख दी थी कढ़ी बनने के लिए, कढ़ी तो बन गई है, इसमें तड़का नहीं लगाया था। तड़का लगाने के लिए फ्राईदान रख लिया है गैस पे मैंने, और मैं तो लग गई पीछे कपड़े धोने के लिए। देखो फण फण के पूरी गैस का क्या हाल हो गया, कढ़ी निकल गई है। तो इसको भी साफ करूंगी जब पता लगेगा मेरे को कितना टाइम लगेगा इसको साफ करने में। देखो जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो पूरी गैस पे जम गई पपड़ी सी, ये बहुत देर में साफ होगी भी है। कढ़ी में तड़का चाहे पहले लगा दो, पहले लगा के बनाते तब भी अच्छी बनती है कढ़ी, और बाद में तड़का लगाते हैं तब भी अच्छी बनती है। पहले तड़का मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी, तो बीच में ही मैंने आके ऐसे ही चढ़ा दी थी, चलो इतने कपड़े धुलते रहेंगे तो, और ये कढ़ी भी बन जाएगी साथ साथ में, और तड़का मैं बाद में लगा दूंगी। तो इसलिए कढ़ी मैंने पहले चढ़ा दी थी, तो मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तड़का कभी भी लगा लो, पहले लगा लो या बाद में, तो दोनों में ही अच्छी बनती है कढ़ी। तो मैं लगा लेती हूँ कढ़ी में पहले तड़का, देखो साथ में चावल बनवाएंगे या रोटी बनवाएंगे। तो गाइस कढ़ी का तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मेथी, मेथी जरूर डालती हूँ मैं, थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी, उसके बाद डालूंगी हींग,
अब ये सारी चीजें अच्छे से भुन जाएगी। उसके बाद जो मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च चॉप की है इनको भी डाल दूंगी, इनको अच्छे से भून लूंगी सारी चीजों को। तो मैंने ये कड़ी वाला ही चमचा ले लिया है कड़ी में से निकाल के, अब इसी से हिलाती रहूंगी थोड़े अच्छे से भून लूंगी इन मसालों को ताकि कड़ी में अच्छा टेस्ट आ जाए। तो गाइस अभी मसाला भुना नहीं, तब तक बीच में मैंने ये चॉपर धो लिया, ये छोटी वाली गैस पे रख रखा है तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा धुंधने में, तो मैंने तब तक ये काम निपटा लिया अपना बीच में। ये देखो अच्छे से भुन गए हैं पूरे, अब इनको डाल देती हूँ मैं कड़ी में। लोगों को कड़ी का कलर दिखाती हूँ तड़का लगाने के बाद कैसा हो गया, ये देखो देखने में ही अच्छी लग रही है तो खाने में भी स्वाद ही होगी। तो अभी इनके लिए राइस और बना देती हूँ। तो भाई शाम का टाइम हो गया है, मैं भी इन कपड़ों को सुखा के आ जाती हूँ क्योंकि छत पे छाया आ गई पूरी पे। देखो इतने सारे कपड़े हो रहे थे, ये टब भरा पड़ा है पूरा ऊपर तक, तो आधे हाथ में ले जाऊंगी मैं और आधे रितिका ले जाएगी, ये रखवा के आ जाएगी ऊपर। तो मैं सुखा के आ जाती हूँ, मानिक का भी अकेडमी का टाइम हो रहा है तो पहले कपड़े सुखा जाती हूँ मैं जल्दी से। तो गाइस इधर सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, इतने सारे कपड़े और थे छोटे मोटे, ये देखो पूरी रस्सी पे नावड़ भी नहीं रहे हैं, सारी रस्सियाँ भर गई, चार पांच रस्सियाँ हैं लंबी लंबी, ठेठ तक पूरी भर गई है। और अब क्या है कि पूरी छत पे छाया आ गई तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे, 7-8 बजे तक आराम से सूख जाएंगे, तो ले जाऊँगी इनको उतार के। तो ये मानिक को छोड़ के आ गए होंगे तो चाय बनाती हूँ मैं, नीचे चलती हूँ। रितिका ने हेल्प करवाई है मेरी कपड़े सुखाने में, इसने सब पे चिमटियाँ लगाई है, मैंने सुखाए हैं, अब क्या नाप रही है दीवार। तो गाइस इधर मैंने श्याम की सब्जी बना ली है, सब्जी इसमें बन गई है, गैस मैंने बंद कर दी है, आटा भी लगा दिया है। अब पहले इन बर्तनों को साफ कर लेती हूँ मैं क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जितने भी हैं इनको साफ कर देती हूँ सभी को, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। बस सारा काम रेडी हो गया, सब्जी वगैरह सब बन गई है, रायता बूंदी का बनाया है, बना के फ्रिज में रख दिया है मैंने, तो बर्तन करके बस रोटियां बनानी है। तो पहले मैं कर लेती हूँ सारे बर्तन और छत पे इस कपड़े भी उतार के लाने, अंधेरा हो गया पूरा, तो मैं पहले बर्तन कर लेती हूँ जल्दी से। तो गाइस इधर रोटी भी बना ली है मैंने, बर्तन भी धो दिए हैं और गैस अभी गर्म है तो गैस साफ की नहीं है मैंने, रोटियां बना के रख दी है, तो सारे एक साथ ही खा लेंगे ये अकेडमी से आ जाएंगे जब, तो तब तक मैं कपड़े उतार लाती हूँ ऊपर से और गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ और इन बर्तनों को रैक में लगा देती हूँ। तो ये पहले चलती हूँ मैं छत पे कपड़े लाने के लिए, रितिका चल आ जा, तो रितिका को लेके जाऊंगी, ये चिमटियाँ उतार देगी फटाफट और मैं कपड़े उतार लूंगी, तो जल्दी से आ जाएंगे दोनों लेके। तो गाइस काम सारा निपटा लिया है मैंने रसोई का, ये बात पैर दो कपड़े चेंज करूंगी। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।